Hey guys, it's me Mimansha and you're watching my channel Moonshine Art. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ पेंसिल कलर के टिप्स एंड ट्रिक्स. सो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना. और सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक है कि अगर आप आईब्रो को इलास्टिक लुक देना चाहते हैं तो उसके अंदर आप सबसे पहले ब्राउन के स्ट्रोक्स दे दीजिए एंड उसके बाद अगर आप ब्लैक के स्ट्रोक्स देंगे तो एकदम इलास्टिक लुक आएगा. और रही बात अगर हम आईज की क्रीज को बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्रीज लाइन है उसके पास का जो एरिया है उसे हम एकदम डार्क कलर से, मतलब एकदम भी डार्क नहीं, मतलब जो स्किन टोन है उस कलर से डार्क शेड हमें क्रीज लाइन की तरफ देनी है. और जब हम ब्रो बोन की तरफ जाते हैं तो थोड़ा लाइट शेड दे देना है जिस तरह से उभरा हुआ लुक आने लगेगा. और जब हम आई लैशेज की बात करते हैं तो हमें आई लैशेज के जो स्ट्रोक्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देने हैं. और जो सेकेंड जो टिप है वो ये है कि अगर आप आईब्रो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे हम ब्लैक कलर से तो शेड देते ही हैं बट जब हमें जहाँ शाइन देनी होती है वहाँ पे हल्की सी ग्रे कलर की शाइन दे दो. अगर आपको ग्रे कलर की आंखें बनानी है वरना आप ब्राउन कलर की आंखें तो ब्राउन कलर की शाइन दे दो. और एक एक बॉल आप वाइट कलर की छोड़ सकते हो. और इस तरह से आप नोज को भी कलर कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राइंग लुक हो बहुत ब्लेंडिंग हो, मतलब बहुत अच्छे से ब्लेंडेड हो, तो आप उसके लिए ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास ईयरबड नहीं है तो आप कोई भी पेपर लेके उसे फोल्ड करके उससे भी स्मच करके कर सकते हो जिससे कि एकदम लुक एकदम सॉफ्ट लुक आएगा. और मैं आपको बता देती हूँ अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो आपको कौन कौन से कलर चाहिए होते हैं. अगर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो सबसे पहले ऑरेंज, पिंक, ब्राउन के जितने भी शेड हों आपके पास, स्किन कलर, ओकर कलर, रेड कलर भी कभी कभी हमें ब्लशर के लिए चाहिए होता है अगर आप डार्क स्किन का बना रहे हो. ब्रिटिश टोन बनाने के लिए आप लाइट स्किन लाइट कलर यूज कर सकते हैं एकदम लाइट लाइट करके. और अगर आपको थोड़ा डार्क टोन का बनाना है तो आप उस तरह से ब्राउन कलर का ज़्यादा यूज करके उसे डार्क टोन दे सकते हैं. जैसे ये टोन एकदम मीडियम इंडियन टोन थी तो मैंने इसमें बोथ स्किन कलर एंड ब्राउन कलर का एकदम बराबर यूज़ किया है. और जैसे मैं बता ही रही थी कि हम लोग हाइलाइटिंग के लिए वाटर कलर का यूज़ करते हैं तो उस तरह से मैंने हाइलाइटिंग के लिए वाटर कलर का यूज़ किया. और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अगर आप हेयर्स को रियलिस्टिक लुक देना चाहते हो तो सबसे पहले वाटर कलर से अपना बेस कलर तैयार कर लीजिए, जैसे जिस कलर के भी हेयर्स हैं, जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर दिया है. एंड उसके बाद अपने पेंसिल कलर्स हैं उनसे कोई हेयर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स दे दीजिए जिससे ऐसे लगेगा कि आपके हेयर्स एकदम रियलिस्टिक लुक के बने हैं. जैसे कि आप देख ही सकते हैं एक एक स्ट्रोक अगर आप यूं ही नॉर्मली बनाते हैं तो इतना हमारा पेंसिल कलर दिखता नहीं है बट वाटर कलर के यूज़ की वजह से हमें वर्क भी बहुत कम करना पड़ता है और लुक जो आता है वो भी बहुत परफेक्ट आता है. इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. तो गाइज, इस तरह से आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ड्राइंग्स के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें तो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मूनशाइन आर्ट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.